अब हम ये जानेंगे तीसरे मरहले में कि नफली रोजे की नियत कब करना चाहिए। जिस तरीके से हमने ये जान लिया कि फर्ज रोजे की नियत फजर से पहले करना ज़रूरी है, तो इसी तरीके से क्या नफली रोज़ा भी फजर से पहले नियत करेंगे नफली रोज़े में भी, या कब करेंगे नफली रोज़े की नियत? आइए हम इसके बारे में जानते हैं। सब्सक्राइब कीजिए आईएससी टीवी चैनल को इस्लामिक यूनिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वाज़े रहे कि ये फर्ज रोजे की बात है, जबकि नफली रोजे के लिए जवाल से पहले भी नियत की जा सकती है। जैसा कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए और फरमाया कि क्या तुम्हारे पास नहीं? ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्नी इदन सौइमुन, तब मैं रोज़ादार हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरे दिन हमारे पास आए तो मैंने कहा या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें हलवा बतौर हदिया दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे भी हलवा दिखाओ, बेशक मैंने रोज़े की हालत में सुबह की है लेकिन आपने हलवा खा लिया। ये हदीस मुस्लिम शरीफ के अंदर आई हुई है। हदीस नंबर है 1154। रोज़े के लिए रात को नियत करना ज़रूरी है, जबकि नफली रोज़े की नियत जवाल से पहले तक की जा सकती है। सब्सक्राइब कीजिए इस्लामिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।